कानवर पुलिस ने ब्लाइड मर्डर मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि कानवर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम स्लायता कोद रोड पर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की बोरे में लाश पड़ी है। कानवर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेती है और युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें होने से शिनाख्त करना पुलिस के लिए चुनौती थी। कानवर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। मामला ब्लाइड मर्डर का होने की वजह से धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशक और बदनावर एसटीओपी जयंत सिंह राठौर के मार्गदर्शन में कानवर पुलिस की एक टीम गठित की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक करण सिंह मोगी उम्र 46 वर्ष निवासी कोद का रहने वाला था। पुलिस की जांच में पता चला कि जमीनी विवाद में महिला से अवैध संबंध के चलते करण सिंह की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। बताते चले कि मामला ब्लाइड मर्डर का होने के कारण पुलिस के लिए एक चुनौती भी थी। आखिरकार पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सुरेश और उसके साथी नंदराम को काबू कर ब्लाइड मर्डर का पर्दाफाश किया। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मैं 302 का जो है मामला रजिस्टर किया था और ये ब्लाइंड मर्डर इस पर एसटीओपी बदनावर सीआई कानवर उनकी टीम ने वर्क किया और पहले से मृतक की शिनाख्त करण सिंह का मोहनदास मुंडिया हत्या किया गया। उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, सुरेश, नंदराम और कपूर। सुरेश है वो मृतक की जो वाइफ है उसका जीजा लगता है और करीब 3 महीने से महिला के साथ रह रहा था और उनका जो ससुर है उसके प्रॉपर्टी के विवाद के लिए जिसने षडन रचा और मोदी के अगले दिन बुलाया शराब पीने के बाद हत्या कर दी। तो तब ले गए हत्या करने के बाद उन्होंने उसको बोरे में डाला और पुलिस ने 3 आरोपी 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 सर ये ब्लाइंड मर्डर था, देखिए ब्लाइंड मर्डर था काफ़ी चैलेंजिंग था। इसमें मृतक की जो शर्ट है उसका टायर जब चेक कराया गया वो 57.5 का था। उससे यह पता चला कि ये व्यक्ति लोकल है और उसके अलावा जो गांव में पुलिस ने चौकीदार रहे लगातार करीब 105 चौकीदारों से व्यक्ति की लाश मिली थी बोरे में। इसमें 302 का जो है मामला रजिस्टर किया था और ये ब्लाइंड मर्डर इस पर एसटीओपी बदनावर सीआई कानवर उनकी टीम ने वर्क किया और पहले से मृतक की शिनाख्त करण सिंह का मोहनदास मुंडिया। उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, सुरेश, नंदराम और कपूर। सुरेश है वो मृतक की जो वाइफ है उसका जीजा लगता है और करीब 3 महीने से महिला के साथ रह रहा था और उनका जो ससुर है उसके प्रॉपर्टी के विवाद के लिए जिसने षडन रचा और मोदी के अगले दिन बुलाया शराब पीने के बाद हत्या कर दी। तो तब ले गए हत्या करने के बाद उन्होंने उसको बोरे में डाला और पुलिस ने 3 आरोपी 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी ब्लाइंड मर्डर था, देखिए ब्लाइंड मर्डर था काफ़ी चैलेंजिंग था। इसमें मृतक की जो शर्ट है उसका टायर जब चेक कराया गया वो 57.5 का था। उससे यह पता चला कि ये व्यक्ति लोकल है और उसके अलावा जो गांव में पुलिस ने चौकीदार रहे लगातार करीब 105 चौकीदारों से संपर्क किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.